इसीलिए कल सभी छात्र परिषद और युवा परिषद, जन अधिकार छात्र परिषद, युवा परिषद और अन्य दल के भी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले जो छात्र हैं वो सड़कों पर रहेंगे अपनी आवाज उठाने। आप जब तक डराइएगा आपका विरोध जारी रहेगा। कल बिहार बंद का निर्णय लिया गया है, छात्रों के अधिकार और उसकी आजादी के। आज जिस तरह से ग्रुप डी में भी आपने वही किया, आपने नाइट टू एग्जाम को ला दी, क्या करेंगे मिडिल क्लास के बच्चे, जीनियर लड़के? उसके बाद आपने कट ऑफ 96 तो 85 और 76 का बच्चा क्या जीनियस नहीं है? पहले आपने लिखा 20 गुना को बढ़ा भी सकते हैं, बाद में आपने कह रहा कि मैं 10 गुना, 1 करोड़ बच्चे पांचों भी का एग्जामिनेशन दिए, पांचों में अधिक आ गए, 3.5 लाख से ऊपर आपने सिलेक्शन किया और उसमें यदि बहुत अत्यधिक बच्चे पांचों में आ गए तो 2.5 लाख से ज्यादा तो सिलेक्शन हुआ नहीं, तो आम बच्चों की तो जिंदगी तबाह कर दी ना आप। और उसके बाद 5 बजे तक मेरे बच्चे प्लेटफॉर्म पर एक चौं तक नहीं बोला, रात में आपने गोली चला दिया, आंसू गैस चला दिया, दूसरे दिन भी आप ढुक ढुक के मारे। हमारे बच्चे कौन सा हिंसा कर रहे थे? हमारे बच्चे हिंसा के पक्ष में नहीं है, हिंसा तो ये बलात्कारी भ्रष्टाचारी करता है, हिंसा तो ये नफरत करने वाले इंसान को तोड़ दिए, वह हिंसा नहीं है, टैक्स के पैसे से लूटने वाला हिंसा नहीं है, अपने राइट की बात करने वाला हिंसा। हम बैठेंगे, हिंसा के पक्ष में कतई मेरे विद्यार्थी नहीं है, आपने उसकाया। हम सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करना चाहते लेकिन अपने राइट के लिए लड़ना और मरना चाहते, हम लड़ेंगे भी मरेंगे भी। डराए ना यह सरकार, गोली के ताबूत पर पप्पू यादव और युवा कभी नहीं डरा है, जितनी गोली है चला लो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आप बच्चे और शिक्षक पर से एक मुकदमा वापस ले, आप धोखेबाज हैं, 8 साल में धोखा दिया करोड़ करोड़ करोड़, आपकी अब धोखी नहीं चलेगी। यूपी के चुनाव के स्टंट के कारण आपने सस्पेंड भी किया और एक कमिटी बना दी, 15 दिनों के अंदर कमिटी की रिपोर्ट, 1 महीने के अंदर भारत के बच्चे रिजल्ट चाहते हैं। आप इसकी घोषणा किसी भी कीमत वैकेंसी में करिए और केस वापस लीजिए। ग्रुप डी के संशोधन को मत करिए, कंप्लीट राय लेकर के ग्रुप डी के एग्जामिनेशन को बढ़ाइए, तब तक लोकतांत्रिक तरीके से इस गूंगी बहरी सरकार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।